हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइन एंड ऑप्स लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म बिहाइंड द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो वर्क करता है दैट इज बाय डिटेक्टिंग वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सो दिस हार्मोन विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन is released during very early pregnancy, that is 6 to 7 days after fertilization from the early embryo. So जो very early embryo होते हैं, 6 to 7 days after fertilization, they start releasing this hormone. And once they start releasing this hormone, that is called as human chorionic gonadotropin, that first appears into the blood. And in blood, once they will reach to the liver, there they will get catabolized. So around 80% of this hormone is catabolized and the 20% only comes in the urine. So in urine, to come into the urine, in blood the sufficient concentration should be there. So agar blood mein iska jo concentration, if it is roughly around 20 milli international unit per ml, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में है देन ओनली हम कहेंगे कि ये यूरिन में डिटेक्ट होगा। चलिए, हियर विल डिस्कस दैट व्हाट इज मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। थोड़ा सा हम डिफरेंस जानेंगे बिकॉज जो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो एंटीबॉडीज यूज होती हैं वो दोनों तरह की यूज होती हैं और ज्यादातर जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, जैसा कि ये है इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द वाई शेप्ड प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स। तो ये जो एंटीबॉडीज है ये एंटीजन है। सो ये एंटीजन के किसी एक स्पेसिफिक साइट से अटैच होंगी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल जो होता है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ वाई एंटीबॉडीज का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो इसमें वेरियस टाइप्स के वाई एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे और जब इसमें मींस एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो कोई ना कोई एंटीबॉडी किसी ना किसी उससे जो है वो अटैच हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। Now, so as we have discussed that during pregnancy, this HCG hormone is released, and this HCG hormone में जो है दो major subunits होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं alpha subunit and beta subunit। तो ये जो subunits होते हैं तो इसके against जो है antibody produce की जाती है। तो for example, अगर इस HCG को, अच्छा ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है बाय इंजेक्टिंग दिस एंटीजन इनटू सर्टेन एनिमल्स, तो जब इस एचसीजी को इंट्रोड्यूस किया गया एनिमल में लाइक माइस में, तो इस माइस ने जो है वो इस वाले स्ट्रक्चर या सब यूनिट के अगेंस्ट इस एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लिया और इसी एंटीजन लाइक एचसीजी को जब इंट्रोड्यूस किया गया अनदर टाइप ऑफ माइस में, तो उसमें जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए वो दिस सब यूनिट के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है दिस इज आल्सो मोनोक्लोनल बिकॉज ये किससे अटैच होगा, दिस ग्रीन सब यूनिट से हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है ये रेड वाले सब यूनिट से अटैच होगा, ठीक। दिस इज ऑल्सो मोनोक्लोनल। तो ये मोनोक्लोनल है, मीन्स ये वाला एंटीबॉडी कभी, ये एंटीबॉडी कभी इससे अटैच नहीं हो सकता और ये एंटीबॉडी जो है ये कभी, ये वाला एंटीबॉडी कभी जो है वो ग्रीन वाले सब यूनिट से अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। चलिए, चूंकि एचसीजी के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रोड्यूस किए गए, माइस में,
तो इनको हम क्या बोलेंगे, माइस एंटीबॉडीज, माइस एंटीबॉडीज, बट दीज एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट एचसीजी, सो दैट्स व्हाई एंटी एचसीजी। सो एंटी एचसीजी भी कहेंगे और हम इसको माइस एंटीबॉडीज भी कहेंगे, एंटी एचसीजी और माइस एंटीबॉडीज। हियर यू कैन सी दैट अगर इस एंटीबॉडी को, विच इज ऑल्सो प्रोटीन, तो जब हम इस एंटीबॉडी को किसी अनदर एनिमल में इंजेक्ट करेंगे, सो दैट विल एक्ट देयर एज एन एंटीजन। तो ये वहां पे एक एंटीजन मीन्स फॉरेन सब्सटेंस के तौर पे वर्क करेगा, एंड उसकी जो इम्यूनिटी है वो इसके अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। तो दिस वॉज द माइस एंटीबॉडी, और इस माइस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई विद इन द गोट, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी माइस एंटीबॉडी, एंटी माइस एंटीबॉडी, एंटी माइस एंटीबॉडीज। और चूंकि इंट्रोड्यूस की गई है किसमें, गोट में, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, गोट एंटीबॉडीज, गोट एंटीबॉडीज। सो दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज विच आर यूज इन द प्रेगनेंसी टेस्ट कैसेट टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी और टू डायग्नोज द प्रेगनेंसी वाया और थ्रू यूरिन। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द मीन्स एंटीजन दैट इज एचसीजी, और ये जो माइस एंटीबॉडी है ये अटैच होगा इस सब यूनिट से, और द अनदर माइस एंटीबॉडी इस सब यूनिट से अटैच होगा, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। और ये जो गोट एंटीबॉडी है ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस माइस एंटीबॉडी के साथ। ठीक, जनरली ये पॉलीक्लोनल होता है, मींस ये माइस एंटीबॉडी के किसी भी साइट को या किसी भी एंटीजेनिक साइट को ये बाइंड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई ये जो गोट एंटीबॉडी जनरली पॉलीक्लोनल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू कैन सी वन स्ट्रक्चर, सो दिस इज नथिंग बट माइस एंटीबॉडी, और इस माइस एंटीबॉडी को कुछ एंजाइम के साथ लिंक कर दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सो यहां तक आई थिंक जो है ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी एंटीबॉडी जो है वो हमने अभी तक जाना। माइस एंटीबॉडी दो तरह की हमने पढ़ी, जो कि एचसीजी के अगेंस्ट है, दैट इज दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने डिस्कस किया, एंड बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन द माइस। एक जो है वो एक सब यूनिट से अटैच हो रहा है, दूसरा जो है वो दूसरे सब यूनिट या दूसरे एंटीजेनिक साइट से अटैच हो रहा है। यहाँ पे हमने गोट एंटीबॉडी डिस्कस किया जो जनरली पॉलीक्लोनल है, मीन्स ये माइस एंटीबॉडी के किसी भी साइट से अटैच हो सकता है, किसी भी एंटीजेनिक साइट से, एंड चूंकि ये एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट माइस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया गया है, तो दैट्स वाई इट इज एंटी माइस एंटीबॉडी। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब ये जो है ये प्रेगनेंसी टेस्ट कैसेट है जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं। तो दिस एस इज, मतलब ये जो है एस है, दैट स्टैंड्स फॉर सिंपल, सिंपल। तो यहाँ पे जो है वो यूरिन को जो है यहाँ पे यूरिन के ड्रॉप्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं। हम कह सकते हैं यूरिन का सैंपल जो है वो हम इसमें मीन्स इंसर्ट करते हैं या डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन जोन है। इस रिएक्शन जोन में जो है वो कुछ मोबाइल एंटीबॉडीज, मोबाइल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेंस्ट एचसीजी होते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है वो इमोबाइल एंटीबॉडीज हैं, इम मोबाइल एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे मोबाइल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, मोबाइल एंटीबॉडीज अलोंग विद सम एंजाइम। तो एंजाइम लिंक्ड एंटी एचसीजी, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंजाइम लिंक्ड एंटी एचसीजी, और यहाँ पे जो है वो एंटी एचसीजी, एंड यहाँ पे जो है एंटी माउस या एंटी माइस, एक ही बात है। अब इसको और क्लियर देख लेते हैं। दिस इज
मोनोक्लोनल एंटीएचसीजी और माइस एंटीबॉडी विच इज अटैच विद सर्टेन एंजाइम्स। यहाँ पे जो है दिस इज ऑल्सो मोनोक्लोनल एंटीएचसीजी नॉट अटैच विद एनी एंजाइम। यहाँ पे जो है वो गोट एंटीबॉडी। अब जब इसमें यूरिन सैंपल इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे हमने यूरिन सैंपल जो है वो इंसर्ट किया, तो यहाँ पे कुछ कैपलरी प्रेजेंट होती है, पोर्स होते हैं थ्रू विच ये जो पोरस मटेरियल है ये एक्चुअली करता क्या है, ये बहुत सारे इम्प्योरिटीज को यहीं पे क्लियर कर देता है। तो यूरिन को क्लियर कर देगा फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज से इसने क्या किया, क्लियर कर दिया। अब ये जो यूरिन है मूव करेगा और रिएक्शन जोन पे रीच करेगा, तो रिएक्शन जोन पे ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सो ये एंटीबॉडी एंड चूंकि ये मोबाइल है तो ये अटैच हो गए इस तरह से और फर्दर मूव करेंगे, और कुछ एंटीबॉडीज जो होंगे वो फ्री होंगे जो कि अटैच नहीं हो पाएंगे एंटीजन से, तो वो भी मूव करेंगे बिकॉज ऑल आर मोबाइल। तो ऑल आर मोबाइल ये मूव करके कहाँ पहुंचेंगे, टेस्ट जोन में। जब ये टेस्ट जोन में पहुंचेंगे तो वहां पे अनदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट, और ये एंटीबॉडी जो है वो दूसरे सब यूनिट से अटैच हो जाएगा। तो ये एक तरह का सैंडविच बन गया, लाइक इधर एक ये एंटीजन है और एक एंटीबॉडी ने इसको रिएक्शन जोन में इधर अटैच किया था, और दूसरे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ने इसको अटैच किया दूसरे सब यूनिट पे। तो दोनों एंटीबॉडी के बीच में जो है वो इस तरह से ये एंटीजन कैप्चर हो गया। सो ये सैंडविच पैटर्न कहलाता है। अब जैसे ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, तो ये रिएक्शन जो है वो मींस ये जो एंजाइम है ये रिएक्शन के थ्रू ये कलर चेंज कर देंगे। कैसे कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन पेपर होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और इस तरह से जो है ये कलर जो है वो अपियर होने लगेगा। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो फ्री एंटीबॉडीज हैं ये मूव करेंगे फर्दर, क्योंकि ये यहाँ पे होल्ड नहीं हुए तो ये फर्दर मूव करेंगे। फर्दर मूव करके ये कंट्रोल जोन में रीच किए। जब ये कंट्रोल जोन में रीच किए तो इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज है जो इसको इसके किसी भी एंटीजेनिक साइट से इसको अटैच कर सकता है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको अटैच किया। फिर जैसे ही एंटीबॉडी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, अगेन दिस एंजाइम विल कॉज कलर चेंज इन दिस पेपर। तो जब दो कलर लाइन आएगी तो इसका मतलब जो है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर एक कलर लाइन आ रही है लाइक सिर्फ कंट्रोल मिल रहा है तो दैट मींस कि यहाँ पे ये जो सैंडविच इफेक्ट है वो नहीं आया, तो इसलिए टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ। और ये तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कंट्रोल। तो कंट्रोल जो है वो ये बताता है कि जो टेस्ट है वो प्रॉपर वर्क किया है या जो किट है वो फंक्शनिंग है प्रॉपर। अगर कंट्रोल में कलर नहीं आ रहा है, कंट्रोल लाइन नहीं दिख रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि इनवैलिड टेस्ट है एंड इट शुड बी रिपीटेड विद अनदर किट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म बिहाइंड द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।